नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कॉलेज के एलएलबी के पहले सेमेस्टर के 172 छात्रों को सामूहिक नकल का आरोप लगाकर फेल कर दिया है, जिसके बाद छात्रों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको बता दें कि 13 मई 2022 को एलएलबी के पहले सेमेस्टर का अपकृत्य विधि का पेपर हुआ था और जब यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट को जारी किया तो इन 172 छात्रों पर सामूहिक नकल का आरोप लगाते हुए ग्रेड भी घटा दिया, जिसकी वजह से इस पेपर को दोबारा करने के सारे रास्ते इन छात्रों के बंद हो गए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इनको फेल किया, नाकाम अंक दिए, जिससे कि ये छात्र बैक परीक्षा या फिर अंग सुधार परीक्षा दे सके। एक सब्जेक्ट में 0 देकर और ग्रेड कम करके इन छात्रों के सारे रास्ते बंद हो गए। छात्रों का कहना है कि मास कॉपी हो ही नहीं सकती है क्योंकि मोबाइल वहां पर अलाउड ही नहीं था और सीटिंग प्लान यूनिवर्सिटी से आया था। हमारे सहयोगी अंकित शर्मा ने लॉ स्टूडेंट्स से बात की और उनका पक्ष सुना। इन दिनों देहरादून के सबसे पुराने कॉलेज और सबसे बड़े कॉलेज डीएवी में इलेक्शंस का माहौल है, जहां पर पूरा कैंपस चुनावी रंग में रंगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कुछ छात्र ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं। ये लॉ स्टूडेंट्स के छात्र हैं और इनको एक एग्ज़ाम में मास लेवल पर फेल कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आज ये छात्र यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम इनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। सबसे पहले तो आपका नाम और अपना क्लास बताइए और क्या मामला है। सर, मेरा नाम रजत बेंजवाल है और मैं अभी थर्ड सेम में मैंने एडमिशन ले लिया है, बट जो हमारा रिजल्ट में जो प्रॉब्लम आई है वो फर्स्ट सेम में आई है और रिजल्ट आपको पता है 7-8 महीने बाद आता है, इसलिए हमें अभी पता चला है कि जो हमारा फर्स्ट सेम का जो रिजल्ट था उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई है। जो सर क्या अनियमितताएं हैं, क्या सब्जेक्ट है पूरा बताइए। जी सर, हमारे जो लॉ का फर्स्ट सेम होता है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कि सर एक लॉ टॉट जो स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसमें सर एक्सटर्नल जो एग्जाम होता है उसमें सर 172 बच्चों को 0 नंबर दे दी गई है। उसमें सर आरोप लगाया जाता है कि मास चीटिंग हुई है, जबकि सर उसका जो नोटिस आता है वहां से एचएनबीजी द्वारा जो जिन्होंने कॉपी चेक की है उनका कहना है सर 100 जो लास्ट जो मैं रोल नंबर आपको बता रहा हूँ 100 से लेके 176 तक कुछ बच्चों ने सेम आर्टिकल लिखा है। मैटर सेम हो सकता है, वो अलग चीज है, लैंग्वेज सेम नहीं है सर, मैटर तो सेम हो सकता है किसी क्वेश्चन का। उनका कहना है कि ये लिखा गया। सेकंड का कहना है सर 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया कि इंटरनेट से जो आर्टिकल लिखा है उसको वो लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, उनका नोटिस में ये कहना है। तो सर लोकेट नहीं कर पा रहे या तो गलत होगा आंसर या फिर आपकी जीवन इंटरनेट पे ही लग गई है इनकी। आगे बात जी, आप अपना नाम बताइए और अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं? जी नहीं, मैं इनका सीनियर हूँ, मैं फिफ्थ सेमेस्टर का हूँ। अच्छा। और मैं कॉलेज कैंपस में पॉलिटिक्स से भी जुड़ा रहता हूँ, तो मैं छात्र हितों के लिए वैसे काम करता हूँ। ये हमारे सारे जूनियर्स हैं, इनके साथ एक मुझे तो ऐसा लगता है कि एक छल सा किया है यूनिवर्सिटी ने। एक यूनिवर्सिटी हमारा रिजल्ट आता है, रिजल्ट में बच्चे सेमेस्टर रिजल्ट में सब पास होते हैं, व्हेन दे चेक देयर मार्क्स की मार्क लिस्ट चेक करते हैं उसमें 0 आता है एक्सटर्नल में। द रीजन हम पता करते हैं 180 बच्चे करीब होते हैं, पहले 80 बच्चे होते हैं ना करीब, पहले 80 बच्चों के लिए ये कहा जाता है कि 80 बच्चे कि इन बच्चों ने मास चीटिंग की, एक पैराग्राफ है जो इनके सभी के आंसर शीट में पाया गया है। ठीक है, तो मास चीटिंग हुई कि आप लोगों ने कुछ सर्कुलेट करा कॉलेज में। वो कह रहे हैं कि एक जैसा लिखा है सबने, एक पैराग्राफ, सिर्फ एक पैराग्राफ सभी बच्चों की कॉपी में एक पैराग्राफ सेम पाया गया है 100 बच्चों की लिस्ट में। ठीक है, उनकी कमेटी ये रिपोर्ट देती है, फिर हम लोग कंटेस्ट करते हैं, तो हमारे टीचर्स कंटेस्ट करते हैं, उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि वो दूसरी कमेटी बनाते हैं, उसमें वो कहते हैं कि अब 180 बच्चों की कॉपीज में वो सेम पैराग्राफ पाया गया और आपने कुछ सर्कुलेट किया है। सेम पैराग्राफ पाया गया है या वर्ड टू वर्ड लिखा है? सेम, एक पैराग्राफ सेम है सबके में, वर्ड टू वर्ड, लैंग्वेज नहीं, मैटर सेम हो सकता है, मैटर एक लैंग्वेज, चलो मैं कह रहा हूँ अगर एक पैराग्राफ भी सेम है। ठीक है, आप ये चीज समझिएगा, हमारे यहाँ पर एक हॉल में पेपर नहीं होता, हमारे यहाँ अलग अलग क्लासेस में, एक क्लास में 40-50 बच्चे बैठते हैं। एक फर्स्ट कमेटी कहती है कि 100 बच्चों की कॉपीज में सेम था, सेकंड कमेटी रातों रात कह रही है कि 180 बच्चे हो गए, रातों रात डबल हो गए। और हमारे यहाँ जो 180 बच्चे होते हैं वो 6 अलग कमरों में बैठते हैं। अब चीज देखिए, 6 अलग कमरों, क्या 6 अलग कमरों में एक चीज सर्कुलेट हुई होगी? दूसरी चीज, जिस दिन ये हुआ था यूनिवर्सिटी का फ्लाइंग स्क्वाड यहाँ पे वो चेकिंग कर रहा था, तो क्या आपकी यूनिवर्सिटी के फ्लाइंग स्क्वाड ने ये करवाया है यहाँ पर? आप अपना नाम बताइए और कौन से सेमेस्टर में है? सर, मेरा नाम अंकुश गौड़ है और सर मैं थर्ड सेम का स्टूडेंट हूँ लॉ में। तो सर जो अभी हमारे सीनियर भैया बता रहे थे कि जो सीरीज ऑफ जो हमें मार्क वो मार्क्स मिली है वो 172 बच्चों को तो 0 मिला है, और सर इनका एक इन्होंने क्या किया है, 0 मार्क्स दिए हैं और जो ग्रेड हैं सर वो पास आप इसमें सर सी ग्रेड, सी और डी ग्रेड सबको इसी बेसिस पे सी सी। आप एक बार कैमरे पे दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ये दिया है? ऐसे सबका रिजल्ट ऐसे ये आ रखा है सी ग्रेड और सर यहाँ मार्क्स 0 डाला हुआ है। अच्छा, एक्सटर्नल के मार्क्स, यहाँ डी ग्रेड,
यहाँ जीरो डाला हुआ है, ऐसे सबका 172 बच्चों का आपको ऐसी सीरीज ऑफ रिजल्ट। जीरो इसलिए डाला है कि उनका कहना है, जो HNB का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहना है कि आपने कॉपी करी है और पास भी किया हुआ है, हम इसके बेसिस पे आप एडमिशन भी ले सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे मजेदार चीज, ये जो 180 बच्चे बता रहे हैं इसमें कई बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, कई बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, तो सबसे बड़े कॉमन सेंस की बात कि हिंदी वाला बच्चा भी सेम पैराग्राफ लिख रहा है, इंग्लिश वाला बच्चा भी सेम पैराग्राफ लिख रहा है, मतलब उनकी जो ये उनकी एक हीन भावना दर्शाती है। आप लोगों को एक बहुत भी बात बताना चाहूंगा, काफी समय से वो लोग हमारे कॉलेज पे प्रेशर बना रहे हैं कि हम लोग उनसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डीएफिलिएट करके स्टेट यूनिवर्सिटी ले आए, ये उसी के साजिश के तहत लोग करें। मतलब एक बात, हिंदी का बच्चा हिंदी ऐसे क्या आप फिफ्थ सेमेस्टर में है शायद, तो ऐसे मामले क्या पहले भी आए हैं, ये पहली बार ऐसा मामला आया जो आप लेवल पे कई बच्चों के जबरदस्ती जीरो चढ़ा देना रैंडम बच्चों के, ये पहले होता रहा है, फिर बच्चा यहाँ से सारे रिकॉर्ड्स लेके यूनिवर्सिटी श्रीनगर भागता है, फिर चेक सही होते हैं, ऐसे पहले होता रहा है, पर इतने मास लेवल पर ये पहली बार हुआ है, इतने मास लेवल पर ये पहली बार हुआ है। राय जान लेते हैं, आप अपना नाम बताइए, कौन से सेमेस्टर में आप? मेरा नाम भटनागर है, मैं फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ। फिफ्थ सेमेस्टर में, तो आप इनके सीनियर हुए? जी मैं इनका सीनियर हूँ। तो अभी ये जो मामला सामने आया है इसको लेकर क्या देख कैसे देख रहे हैं आप, और क्या कहना है कि पहले भी हुए हैं ऐसे मामले? ऐसे मामले पहले तो नहीं हुए हैं, लेकिन 172 बच्चों की, जैसे कि पहले तो ये हुआ था कि इनकी बैक लग जाएगी, फिर इन्हें प्रमोट कर दिया गया है और सबको जीरो दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे कि मतलब आधे बच्चे किसी और क्लास में, आधे बच्चे किसी और क्लास में, तो मास चीटिंग एक ही क्लास में तो चल सकती है या हर क्लास में चलेगी, और उसमें से हिंदी लिखने वाले भी हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं, तो सब में सेम तो कोई लिख ही नहीं सकता। ये जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं इसमें किस तरीके का अरेंजमेंट होता है वो बताइए थोड़ा। इसमें 30 बच्चे होते हैं एक क्लास में, और अलग अलग क्लासों में बच्चे थे, और इन्होंने कहा कि मास चीटिंग हर क्लास में है, तो वो सेम पैराग्राफ हर क्लास में कैसे पाया जाए? सीसीटीवी कैमराज होते हैं, जो एग्जामिनर आते हैं, इनविजिलेटर्स आते हैं, कहाँ से आते हैं? वो यूनिवर्सिटी से आते हैं। अच्छा जी जी, जब मास चीटिंग अगर हो रही थी तो क्या ऐसा कोई इंस्टेंस जो शेयर किया हो, मतलब बताया हो या पकड़ा हो, कुछ ऐसा हुआ था? नहीं ऐसा कुछ नहीं पकड़ा गया, ऐसा कुछ नहीं। बच्चे पे पाया गया था, उसकी UFM लगी है, उसकी UFM लगी, उसके अलावा कोई ऐसा बच्चा नहीं पाया गया है। सुबह सर जब आप एक बच्चा चीटिंग करता हुआ पाया गया उसकी UFM लगी है, उसकी UFM कर उसी समय। और सर जब हम एग्जाम देने जाते हैं सर, कॉलेज की फ्लैंग टीम भी सर पूरी चेकिंग करती है, और HNB आती है, वो भी पूरी क्लासेस में पूरी चेकिंग करती है। ठीक है, और लोगों से पूछते हैं आपका नाम और कौन से सेमेस्टर में है आप? मेरा नाम देवेंद्र चमोली है, मैं LLB थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, और पिछले 3-4 महीने से जब से ये संज्ञान में आया है कि LLB थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ किया गया है, जहाँ की जब यहाँ फ्लाइंग स्क्वाड आई थी वहाँ पर एक बच्चे की UFM जरूर लगाई गई थी, उसके बाद कॉपियां सही से चेक हुई नहीं हुई, उसके बाद इन्हें 80 स्टूडेंट्स का ये मास कॉपिंग का केस में ये दिया गया था, रिपोर्ट दी गई थी 80 स्टूडेंट पहले थी। अच्छा। फिर उसके बाद इन्हें कमेटी बनाई, दूसरी कमेटी रिकमेंड की, दूसरी कमेटी रिकमेंड करने के बाद 172 बच्चों का भविष्य खराब किया जाता है। और यहाँ पर इस न्यूज चैनल के माध्यम से अगर हमारे शिक्षा मंत्री उत्तराखंड या HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी सुन रहे हैं, तो इस जो ये समस्या उत्पन्न हुई है एक स्टूडेंट के साथ, 172 स्टूडेंट ही नहीं, आगे देश का भविष्य तय करने वाले स्टूडेंट हैं हमारे साथ। आपने इसमें HNB को कोई पत्र लिखा है, कहीं शिकायत की है कि इस तरीके से आया हुआ है, वो पत्र आप दिखा सकते हैं? जी सर, सब लिखे हुए हैं। सब पहले मैं आपको रोल नंबर दिखा देता हूँ, इन्होंने सर यहाँ से कैमरा पे दिखा सकते हैं, 100 रोल नंबर से लेके पूरे सर पूरे लास्ट रोल नंबर तक यहां तक सबको जीरो मार्क्स देके सर प्रमोट कर दिया है। मतलब अब यूनिवर्सिटी क्या कह रही है जब आपने लेटर लिखा? सर यूनिवर्सिटी कह रही है कि हमने कमेटी बनाई है, और उसके आगे उनका कोई रिस्पांस नहीं। और ये कमेटी किस अंडर में, किसके अंडर में बनाई गई है? सर ये सबसे पहले तो ये मामला ही बताया, 80 बच्चे जब पकड़े गए थे, इनकी रिपोर्ट आई थी, वो भी ऑफिशियली तरीके से हमारे पास तो आई नहीं, अभी तक कोई नोटिफिकेशन स्टूडेंट के पास तो है ही नहीं पहली बात तो। अच्छा। तब दोबारा इनकी कमेटी बनती है, कमेटी रिकमेंड करते हैं, वहाँ पहले 80 थे, उसके बाद 172 ऐड कर देते हैं, उसमें किस आधार पे किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये किसी को नहीं पता है अभी है। और आगे पूछते हैं आपको, आपका नाम और कौन से सेमेस्टर में? मेरा नाम शिवम खंडेला है और मैं LLB थर्ड सेमेस्टर में हूँ। तो ये जो बात सामने आ रही है इसको लेकर जैसा कि आपके क्लासमेट भी बता रहे हैं, इसमें कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं है आपके पास, सीधे जीरो कर दिया गया या कोई पूछताछ? इसमें सिर्फ एक नोटिस आया था जिसमें बस ये दिखाया गया था कि इतने बच्चों ने चीटिंग करी है, रोल नंबर 100 से 176 पहले, और उसके बाद नीचे लिखा गया था उसमें लास्ट पॉइंट में कि एंड मोर मेनी स्टूडेंट्स, जिसमें कि हम 172 को ऐड कर दिया गया था बस। अच्छा। और वो नोटिस का ये नहीं पता है कि किस किस के आया था, ऑफिशियली था या नहीं था ये भी नहीं पता, कि इसमें सिग्नेचर नहीं है,
कहाँ से आया ये हमें तक नहीं पता है। अच्छा जी सर, इसमें ये भी कहा गया है जो चीटिंग करते हुए बच्चे पकड़े गए हैं, इन स्टूडेंट ने क्या किया कि नेट से देखा, पहला वो कंटेंट नेट से देखा, उसके बाद उन्हीं स्टूडेंट ने उसको मतलब नेट से हटा दिया, यानी कि नेट एक्सेसिबिलिटी की जो हमारे कंट्रोलर हमारे पास ही है, इस तरीके से एक छोटा सा नोटिस देते हैं, उसमें प्रॉपर नोटिस भी नहीं लगता, वो एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है, उसमें ये चीजें लिखा हुआ कि क्वेश्चन नंबर 10 सभी बच्चों ने एक जैसा किया हुआ है और जो कि नेट से देखकर लिखा गया है उसको फिर हटा दिया गया वहीं से, यानी नेट की एक्सेसिबिलिटी हमारे पास है, ये भी लिखा गया उसमें उस नेट से किस तरीके से देखा बच्चों ने उनका कहना। हाँ मतलब उनका कहना यह है कि फोन से देखा कंटेंट, सभी बच्चों ने फोन से चीटिंग की हुई है, उसके बाद जो नेट पर उपलब्ध है उसको भी हम ही ने हटा दिया गया है। अच्छा ये कंटेंट सर उस पर आज तक अवेलेबल उसमें सर एक्चुअली जो हमारा एग्जाम होता है सर, एग्जाम में क्या होता है सर, 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने होते हैं और 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने होते हैं, तो उन्होंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर 10 पे मतलब किया हुआ है कि रिमार्क किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 की इस पे चीटिंग हुई है। अब जरूरी नहीं है सर मैंने क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट किया हो, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप में तो 5 क्वेश्चन रहते हैं उसमें 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो जरूरी नहीं है मैंने क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट किया हो या इसने क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट किया हो, वो तो 172 बच्चों में से। आप लोगों ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करी सर, क्या कहना है उनका? तो सर हमने उनको एक ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा था कि क्या बोलता, हम इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, इतना ही कहना। कार्रवाई का कोई आश्वासन कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं आया सर। ठीक है चलिए समाप्त करते हैं। ये थे LLB के छात्र, ज्यादातर ये थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं जिनको लॉ ऑफ टॉट्स जो एग्जाम होता है उसमें फेल किया गया है और इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने मास कॉपिंग करी, जिसको लेकर अब इनका जो भविष्य है वो अभी अधर में है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी ये छात्र मिले, उनको ज्ञापन दिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। एक कमेटी भी बनाई गई है HNB की तरफ से और इन छात्रों का ये भी कहना है कि कोई सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से छात्रों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे उसको देख के लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं कोई खामी हुई है जिसको सुधारने की ज़रूरत है। अब देखना होगा कि इसमें HNB क्या बोलती है और क्या कदम उठाती है। कैमरामैन अनिल बड़ोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक। DAV PG कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर KR जैन ने उत्तराखंड तक को बताया कि जब विश्वविद्यालय ने हमसे जवाब तलब किया तो हमने उनको सीटिंग प्लान के साथ साथ इसमें चेक किया कि क्या मास कॉपिंग का मामला उठता है, और हमने ये पाया कि मास कॉपिंग का इसमें कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो सीटिंग प्लान था उसके हिसाब से इतनी बड़ी तादाद में कैसे नकल कर सकते हैं। और HNB ने अब इस मामले में 2 कमेटी बनाई है जिसमें 172 छात्रों पर कॉपिंग का इन्हें दोषी पाया गया। इसमें एक मेरे पास मेल आई 19 सितंबर को कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन की HNB बड़ाल यूनिवर्सिटी की, उन्होंने कहा कि आपका जो स्टूडेंट का सीटिंग प्लान है और जो मास्टर प्लान है वह भेजिए। एक साथ उन्होंने एक एग्जामिनर की रिपोर्ट भी लगाई जो प्रॉपरली रीडेबल नहीं है जो भेजी उन्होंने। तो उसके बाद मैंने एक कमेटी बनाई यहाँ पे कॉलेज में 3 लोगों की, जिसमें हमारे कंट्रोलर डॉक्टर DK त्यागी, चीफ डॉक्टर डॉक्टर MM दस्सल और लोगों की जो हेड हैं पारुल दीक्षित, उनको एक 3 मेंबर्स कमेटी बनाई। उस कमेटी में मैंने रिपोर्ट मांगी कि अपनी रिपोर्ट दीजिएगा। तो उस कमेटी में रिपोर्ट ये बताया कि इस तारीख को, जिस तक की 13 मई की डेट है, एक बच्चा नकल करता पकड़ा गया मोबाइल से, उसकी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को कर दी गई थी। उसके बाद उन्होंने मास्टर प्लान प्रोवाइड किया मुझे। मास्टर प्लान से होता है कि 101 से लेके 201 तक 7 कमरों में एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद ये इनका स्टूडेंट्स का सिटिंग प्लान है, ये पूरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेज दी गई थी। उसके बाद जो हमारे जो UFM हुआ था केस, उसकी रिपोर्ट भेज दी गई यूनिवर्सिटी को। उसके बाद जो हमारे कंट्रोलर साहब हैं, जो अभी आप बात करेंगे उनसे, डॉक्टर DK त्यागी जी, उनसे भी बात कर लीजिएगा आप, उन्होंने यूनिवर्सिटी में बात की। बात करने के बाद बताया कि कुछ बच्चों की मास कॉपिंग की शिकायत मिल रही है एग्जामिनर के माध्यम से, जिसने कॉपी वायलेट की है। तो उनकी जो प्रोफेसर KC भट्ट और क्या नाम है उनका, रावत, क्या नाम है, सुरेंद्र रावत जो कंट्रोलर थे उस टाइम, जो भी कंट्रोलर थे, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा हम इसमें कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी के माध्यम से हम इसको वायलेट करेंगे। उन्होंने कमेटी बनाई, जो उन्होंने बताया कमेटी बना के उन्होंने उसको वैल्यूएट कराया। तो उनकी रिपोर्ट भी ये थी कि मास कॉपिंग हुई है, उनकी रिपोर्ट थी कमेटी की। फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरी कमेटी बनाई यूनिवर्सिटी ने, उसमें भी पाया कि ये मास कॉपिंग की शिकायत मिली है। उनका कहना ये है कि इसमें कुछ इंटरनेट का जो मैटर है वो बच्चों ने लिखा हुआ है, ज़्यादातर बच्चे नेट से पढ़ते हैं, आजकल डिजिटल ज़माना है और उनके पास जो बुक्स हैं अवेलेबल वहाँ से पढ़ते हैं। अब लोगों का जो ये एग्ज़ाम हुआ है, ये एक बच्चे एक रूम में तो हुआ नहीं, कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं
और 7 कमरों में एग्जाम हुआ है हमारा, तो मास कोपिंग कैसे हो सकती है? मास कोपिंग का जो यूनिवर्सिटी ने हम पर आरोप लगाया, बच्चों के ऊपर लगाया कि मास कोपिंग में, बिल्कुल गलत है, मास कोपिंग नहीं हुई है। मेरा इसमें कहना ये है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के इंटरेस्ट को वाच करते हुए दोबारा से एक फेयर कमेटी बनाए जो कि यूनिवर्सिटी से बाहर की हो, उसकी रिपोर्ट ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, इससे बच्चों की भविष्य खिलवाड़ ना करें। धन्यवाद। इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता कर्नल अजय कोठियाल ने बताया है कि ये छात्र उनके पास आए थे, जिसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल से चर्चा की और इस मामले को समझने के बाद ये चीज सामने आई है कि जिस तरीके से सीटिंग प्लान था, फ्लाइंग स्क्वाड था, उसको देखकर ये लगता है कि मास कॉपिंग नहीं हो सकती है। और वहीं एक सब्जेक्ट में 0 देने के बाद पूरे सेमेस्टर में पास करने से इन बच्चों का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है। और अगर सामूहिक नकल में बच्चे दोषी होते हैं तो इनको फेल कर देते या फिर दोबारा से एग्जाम देकर पास हो सकते थे, लेकिन अब सारे रास्ते इनके बंद हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले डीएवी कॉलेज देहरादून के एलएलबी के फर्स्ट ईयर के कुछ छात्र मेरे से मिलने घर पर आए थे। इश्यू था कि अभी कोई 2.5-3 महीने पहले इन्होंने एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था, और एग्जामिनेशन के बाद में कुछ दिन पहले गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने जब इनका रिजल्ट निकाला तो इन लड़कों को, इनमें से 172 लड़कों को, स्टूडेंट्स को, ये कह करके उनको 0 नंबर दिए गए हैं कि उन्होंने चीटिंग करी है। अब इसमें इशू को समझने के लिए मैंने पहले तो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे इन स्टूडेंट्स के पास में जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने डीएवी कॉलेज को भेजे, मैंने उन डॉक्यूमेंट्स को देखा। उसके बाद फिर मैं प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज से मिला, फिर मैंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी में बात करने की कोशिश करी, कंसर्न्ड जो टीचर्स थे उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन सब चीज़ें देख करके मेरे को एक चीज़ जो समझ में आई है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है, हमारा जो रिजल्ट जब निकाला जाता है वो असेसमेंट करने का तरीका क्या होता है। इंटेंशन तो होता है कि एक स्टूडेंट को, एक यूथ को करेक्ट डायरेक्शन दी जाए, उसके भविष्य को सिक्योर करा जाए। अब अगर आप टेक्निकल तरीके से इस रिजल्ट में कोई जाएगा तो उसमें दिखता है कि इन 172 बच्चों को पास तो करा गया है, लेकिन एक जगह 0 नंबर इस प्रकार से दे दिए हैं कि वो फील्ड इनके लिए ना हमेशा के लिए बंद हो गया। अगर आपको करना ही था, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे चीटिंग हुई थी, 172 लड़कों की तो पहले चीटिंग एक जगह पे हो भी नहीं सकती है, एक ही कमरे में कि पूरा का पूरा कमरा चीटिंग कर रहा है, लेकिन आपको फिर भी लगता था तो आप कम से कम पास ही नहीं करते इनको, आप पूरा ही फेल कर देते ताकि अगली बार ये रीअपियर होकर के अपने करियर को तो परस्यू कर सकते थे। आपने बगैर किसी इमोशंस के, बगैर किसी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, उसको सोचे बगैर इन सब का सबका ना फ्यूचर पूरा ही सील कर दिया है। दूसरा, मेरे को टेक्निकल चीज़ भी ये समझ में आई कि जिस तरीके से 0 नंबर दिए गए हैं, वो खुद डीएवी कॉलेज के टीचर्स कह रहे हैं कि ये इल्लीगल तरीका है, ये जस्टिफाइड तरीका है ही नहीं। अब अगर ऐसा ही है तो आज के ट्रांसपेरेंसी के ज़माने पे हम तो ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी को लगता है कि इन लड़कों ने, इन लड़कियों ने चीटिंग करी है वाकई में, तो जो आपने पैनल बनाई थी, जो आपने चेक करा होगा कि क्या तरीकों से आपको लगा कि इन्होंने चीटिंग करी है, आप उनको, इनको समझाइए। मेरे को लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ी एरर हो रखी है, और 172 स्टूडेंट्स का फ्यूचर तो हम आज की तारीख में इस तरीके से बंद नहीं। वहीं लॉ डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर पारुल दीक्षित का यह कहना है कि नोटिस एचएनबी की तरफ से आया था, जिसमें सीटिंग प्लान ये मांगा गया था, और उसके बाद इन छात्रों को 0 दे दिया गया है, जबकि सामूहिक नकल का कोई सवाल ही नहीं उठता है। डॉक्टर पारुल दीक्षित ने लॉ डिपार्टमेंट में लगे अचीवर्स बोर्ड को दिखाते हुए बताया कि अगर इस कॉलेज में बच्चे नकल करते तो कैसे इस कॉलेज से पास होकर यहाँ के छात्र जज बनते हैं। देखिए, इसमें पहले तो हमारे कॉलेज के पास में केवल एक ही बार इंक्वायरी आई थी कि इनको मास चीटिंग हुई है, ऐसा प्रतीत होता है, और कॉलेज ने इसके लिए अपना जवाब लिख करके दे दिया था। एक कमिटी थी, उसने अपना जवाब भेजा, सीटिंग प्लान भी भेजा, क्योंकि कई अलग अलग कमरों में बच्चे बैठे हुए थे और मास चीटिंग जैसी कोई बात ही नहीं थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने जब रिजल्ट डिक्लेयर किया तो पहले तो इन बच्चों को UFM 3 में इनका पूरा साल विदहल्ड करके उनका रिजल्ट निकाल दिया। फिर उनके साथ बातचीत हुई तो फिर उसको UFM 3 से 2 पे ले आए, और 2 में इन्होंने सबको 0 मार्क्स दे दिया, 172 बच्चों को जिनका, जिनके ऊपर इन्होंने ऐसा लगाया था। और ड्यूरिंग दिस होल पीरियड बच्चों को कोई जानकारी ही नहीं देगी, मतलब ये एक पक्ष से तो कोई बात ही नहीं की, कि इन बच्चों को कुछ भी नहीं पता कि उनके साथ में क्या हो रहा है। केवल कॉलेज ने ये डिफेंस लिया था कि हमारे यहाँ मास चीटिंग नहीं हुई, तो ना तो हमारे डिफेंस को माना है यूनिवर्सिटी ने, और सारे बच्चों को 0 दे करके उनको ग्रेड C और D ग्रेड दे दिया गया। अब ये बच्चे ना बैक परीक्षा दे सकते हैं, मतलब इस तरह से
एक साथ इतने सारे बच्चों का भविष्य खराब कर देना, ये मेरे ख्याल से बहुत गलत है। ये पॉसिबल ही नहीं है। एक तो इतने बड़ी संख्या में चीटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी इंटरनल फ्लाइंग लगातार काम करती है और एग्जामिनेशन बहुत पारदर्शिता के साथ में कराए जाते हैं। तो आई डोंट थिंक इस तरह का कोई भी काम हुआ है, और इस तरह का रिजल्ट जो है जो घोषित किया गया है, ये पूरी तरह से बच्चों के साथ में अन्याय है। अब देखना ये होगा कि इन बच्चों का भविष्य क्या होता है। तो फिलहाल इसी के साथ इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।